नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो हर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है, झोला छाप डॉक्टरों की समस्या। आपने देखा होगा कि सरकार लगातार इन फर्जी डॉक्टरों को बंद कराने के लिए कदम उठाती रहती है, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि झोला छाप डॉक्टर आते कहां से हैं, और इसके लिए हमें चिकित्सा शिक्षा को मौजूदा हालात में समझने की जरूरत है। चिकित्सा शिक्षा की स्थिति। आज 11 अक्टूबर 2004 तक भारत के कुल 783 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 452 सरकारी और 331 निजी कॉलेज हैं। इन कॉलेज में कुल 109,145 MBBS सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें 55,880 सीटें सरकारी और 53,265 सीटें निजी कॉलेज में हैं। फिर भी इतने सारे बच्चों का डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ सीटों की कमी की वजह से अधूरा रह जाता है। झोला छाप डॉक्टर का उदय। जब कोई छात्र बारहवीं या बायोलॉजी के साथ पास करता है तो उसका सपना होता है कि वह डॉक्टर बने, लेकिन देश की मेडिकल सीटों की कमी के चलते लाखों छात्र इस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर कुछ छात्र BAMS, BHMS या पैरामेडिकल कोर्स करके मेडिकल फील्ड में आ जाते हैं। जब ये छात्र गांव या छोटे शहरों में जाकर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो सरकार इन्हें झोला छाप डॉक्टर कहकर उनके क्लिनिक सील कर देती है। ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य समस्याएं। हमारे देश में 6,64,369 गाँव है, जिनमें से कई गांव ऐसे हैं जहां कोई डॉक्टर या चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन जगहों पर लोग बीमार पड़ने पर शहरों की ओर जाते हैं, लेकिन बड़े अस्पतालों में लंबी कतारें उनके इलाज की ओर मुश्किल बना देती हैं। कई बार मरीज सही समय पर इलाज न मिलने की वजह से अपनी जान तक गवा बैठते हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड के कुछ गाँव में 5 गाँवों के बीच एक ही व्यवस्था केंद्र है, जहां कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में गाँव में मौजूदा ये झोला छाप डॉक्टर लोगों की मदद करते हैं। क्या आयुष डॉक्टर गलत कर रहे हैं? आयुष डॉक्टर वो हैं जो BAMS या BHMS करते हैं। उन्हें उनके कोर्स में मॉडर्न मेडिसिन की भी पढ़ाई कराई जाती है। बावजूद इसके अगर वो एलोपैथिक दवाई का यूज करते हैं तो उनका क्लिनिक सील कर दिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या सरकार इन डॉक्टरों को मदद करने की बजाय इन्हें अवैध मानकर इनकी प्रैक्टिस बंद करने का सही फैसला ले रही है? सरकार को चाहिए कि वो झोला छाप डॉक्टरों की समस्याओं को खत्म करने के लिए कठोर नियम तो बनाए, लेकिन साथ ही चिकित्सा शिक्षा की पहुंच और सीटों की संख्या में वृद्धि करे। इसके अलावा आयुष डॉक्टरों के लिए कुछ रेगुलेशन बनाकर उन्हें ग्रामीण इलाकों में सेवा देने का अधिकार दिया जा सकता है, ताकि जनता को बुनियादी चिकित्सा और सुविधाएं मिल सके। तो दोस्तों, ये थी झोला छाप डॉक्टरों की समस्या और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू। आपकी क्या राय है? क्या सरकार सही दिशा में कदम उठा रही है या फिर इस मामले को सुधार की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने सुझाव भी दें कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।